दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है शौर्य कंप्यूटर्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ज्यादा अमेजिंग टॉपिक। वाला टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता दूं, वैसे आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। उस टॉपिक का नाम है सेव योर इंटरनेट। वेल, इंटरनेट आपको किस तरीके से सेव करना है वो भी विंडो 10 के अंदर। अगर आप यूज करते हैं डेटा केबल को इंटरनेट चलाने के लिए अपने विंडो 10 के अंदर, और आपका डेटा कुछ ही देर में भले ही वो कितने ही जीबी हो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और बहुत ज्यादा कंज्यूम ज्यादा करता है आपका विंडो 10 इंटरनेट को। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, और आप उस सेटिंग को ऑन करने के बाद अपने बहुत सारे इंटरनेट को बचा सकते हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं विंडो 10 से। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इस डेटा केबल को यूएसबी केबल को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है, एंड इस वाले पोर्ट को हमें कनेक्ट करना है अपने मोबाइल से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। नॉर्मली आप कनेक्ट कर लेते होंगे तो इस तरीके से, यहाँ पर इसे मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ एंड देन फिर आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में इस समय जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट का आइकन नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं देखिए अपने मोबाइल से अपने डेटा केबल को यूएसबी केबल को कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ यूएसबी थेटरिंग को। तो यूएसबी थेटरिंग का ऑप्शन नॉर्मली आपने देखा ही होगा, मोबाइल में से हम कनेक्टेड कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर वहां से एक्सेस करने के बाद यहाँ से आइडेंटिफाई करेगा और जो मेरा नेट है वो कुछ सेकंड्स में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस इंटरनेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से हमारा इंटरनेट 3 कनेक्ट है, और यहाँ से हमें जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। हमें नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये जो पेज ओपन होगा, एक मिनट रुकिए। तो यहां से आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको आपका इंटरनेट कनेक्ट मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका ईथरनेट है या फिर आपका यूएसबी थेटरिंग है, जो भी कनेक्ट है, आपको उसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेट अ मीटर्ड कनेक्शन। यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन इस तरीके से ऑफ है तो आपको उसे ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद आपका जो भी इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा सेविंग मोड पे चला जाएगा। मतलब आपका इंटरनेट एक्स्ट्रा बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा और आप काफी सारे इंटरनेट को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी वर्क में, और आपका एक्स्ट्रा इंटरनेट बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। चाहे आपका कितना भी जीबी है वो काफी टाइम तक चलेगा। ये था एक बहुत कमाल का ऑप्शन जिससे आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं, और काफी इजी ऑप्शन था। एक बार आप अपने सिस्टम में इस चीज को जरूर ट्राई कीजिए, आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा सेव होगा। आपको ये ऑप्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एंड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।